हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने मेरी पोशाक कलेक्शन आप लोगों के साथ रिवील किया था, जो कि मेरे पास ससुराल से जो पोशाक आई थी उनका। और ये है सेकंड पार्ट पोशाक कलेक्शन का, जो कि मेरे पीहर की तरफ से है। आई मीन मेरी सिस्टर्स ने और घर वालों ने जो पोशाकें दी उनका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप लोग जाके और देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक मैंने उसमें दिखाई है। सबसे पहले बता दूँ, ये वाली पोशाक ना लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, तो ये पोशाक बनवाई थी कन्हैया परिधान जयपुर से, जो कि 25 से 30 हज़ार के बीच में बनी थी। तो ये वाली पोशाक बहुत ही सुंदर है और पिस्ता कलर की पोशाक है। ये बनवाई थी मेरे सबसे बड़े जीजा चंचल जीजा ने, और ये पोशाक मेरे जीजोसा की पसंद की है, उनको लाइट कलर ही पसंद है, तो जीजा ने मेरे लिए यही कलर चूज़ किया था। एंड ये पिस्ता कलर की पोशाक है और इस पर ना रानी कलर की ओढ़नी है, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और ये जब पहनते हैं ना तो भाई साहब इतनी शाइनिंग करती है ना, ये पोशाक बहुत शाइन करती है, क्योंकि इसमें ना वर्क ऐसा ही है, पूरी पोशाक में वर्क है, तो काफ़ी सुंदर लगती है पोशाक पहनने के बाद। और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। एंड उसके बाद फिर या गाइस, थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, वह ऐसे ही हमेशा प्यार बनाए रखना मेरे ऊपर। और इस आई होप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिले जितना लास्ट वीडियो को मिला था। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। ये है रामा कलर की पोशाक, बहुत ही सुंदर पोशाक है, बहुत लाइट वेट पोशाक है, और इसमें गोटा पत्ती और कुंदन का काम है। ये दी थी मेरे मोनिका जीजा ने, जो मेरे सेकंड नंबर वाले जीजा है उन्होंने। गाइस हम लोग 5 सिस्टर है, तो आप लोग नंबर वाइज पहचान जाना। तो ये भी बहुत ही प्यारी पोशाक, इसका कलर बहुत सुंदर है, जब ये धूप में पहन के जाते हैं ना बहुत ही अल्टीमेट लगता है। है थर्ड नंबर वाली पोशाक, ये दी थी मेरी थर्ड नंबर वाली जीजा बेबी जीजा ने, और ये चीकू कलर की पोशाक है। ये कलर मेरे को इतना पसंद है कि आपको कभी मैं मेरे प्योर के सूट का वीडियो भी बनाऊंगी तो उसमें भी ना सबसे ज़्यादा आपको चीकू कलर के सूट मिलेंगे। तो ये कुंदन के काम की पोशाक है, उस टाइम पर मेरी शादी के टाइम पर ना कुंदन का काम बहुत चल रहा था, तो इसलिए ना उन्होंने मेरी पसंद की ये पोशाक बनवाई थी। इसमें ओढ़नी और पूरी पोशाक सेम कलर की है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। है वाइन कलर की, जामुनी कलर की पोशाक हम इसे बोल सकते हैं, और ये पोशाक दी थी मेरी 4 नंबर वाली जीजा विन्नी जीजा ने, और इसका कलर ये कलर उनका फेवरेट है, तो उन्होंने मेरे को ये पोशाक गिफ्ट की थी। और इस पे तारे का और आरी तारी का वर्क है, तो बहुत ही सुंदर पोशाक है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है ये। लास्ट पोशाक, मतलब लास्ट तो नहीं, बट ये मेरी मम्मी ने दी थी मेरे को मेरी शादी में, ये डार्क ब्लू कलर की है, तो इसमें इतना ज़्यादा फेयर कलर लगता है ना जब भी मैं पहनती हूँ, तो इतनी सुंदर पोशाक लगती है ये। और मेरे पास ब्लू कलर की पोशाक थी नहीं, तो फिर मैंने बोला मम्मी को मेरे का मेरे लिए ब्लू कलर की बनवाओ, तो उन्होंने मेरे लिए शादी में ये एक ब्लू कलर की पोशाक बनवाई थी। बाकी उन्होंने प्योर के सूट दिए थे, बट एक ही पोशाक दी थी। पोशाक है जो मेरे भाई की शादी में मेरी मम्मी ने बनवाई थी हमारे लिए, तो ये ऑरेंज कलर की पोशाक है। मेरे पास सारे कलर थे, ऑरेंज कलर नहीं था, तो फिर ये वाला कलर मम्मी ने बनवाया मेरे लिए। तो इसको भी मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि पैक हो रखा है, और अभी बिट्टू भी जग गई है, तो मुझे उसको भी देखना है। इसलिए ये अभी मैं शादी में पहनने वाली हूँ, फिर जिनकी शादी में, तो सब आपको इसका वीडियो मिल जाएगा।
ये पोशाक ये आई थी बिन्नी के पीहर से शादी में, भाई की शादी में। तो ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, ये भी कलर मुझे पसंद का ही है। बिन्नी ने फ़ोन करके पूछा था तो मैंने बोला उस कलर की बनवा लेना। तो इस पे ना अभी इन तीनों पोशाकों को मैं खोल नहीं रही हूँ। ये आया था बिन्नी के पीहर से दस्तूर में, भाई के जब टीका आया था उसमें। तो ये मेहंदी कलर का है, लाइट मेहंदी कलर की पोशाक है, तो उसको भी अभी मैं खोल नहीं रही हूँ। तो ये जब अभी मैं शादी में पहनूंगी तब आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बस ये था मेरा पीहर वाली पोशाकों का कलेक्शन। आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट वन भी देख के और उसे भी लाइक करना। तो दैट्स इट, बाय।